तो मूवी का वो सीन नहीं होता क्योंकि सास भी कभी क्योंकि सास भी उधर से दिखा ना उधर से दिखा करियो ऐसे क्योंकि सास भी तो गाइस ऐसा कुछ लग रहा है एंड पूरा मैंने सुना जयपुर से बंदे उठाए गए थे यहाँ के लिए वो तो फिर हाथ काट दिए जयपुर से बंदे उठाए गए फिर पूरा एक घर बना उसके बाद उनके हाथ काट दिए इट इज अ जोक तो गाइस मेरे माइक की बैटरी खत्म होने वाली है तो मैं आपको प्रॉपर एक हाउस टूर नहीं दे पाया हूँ तो मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ मैं कहना क्या चाहता था तो पूरा ना ऐसे आर्किटेक्चर हो रखा है किसी जयपुर का महल बनाओ काफी ज्यादा सही लग रहा है एंड साथ के साथ पूरा ये पार्किंग स्पेस है एंड देन लास्ट में जाके एक स्विमिंग पूल है भाई आदमी इसको बीच बीच में दौरे पड़ते हैं पता नहीं क्यों अगर कैमरा नहीं होता ना यार तो मजे ले लो नहीं तो तुम तो बटन की तरह गाड़ी चला रहे हो क्योंकि वहाँ पे स्पीड लिमिट 80 के तो तुम 80 चला सकते हो दो तीन मेरी हिम्मत नहीं हुई गाड़ी कैमरा ऑन करने की लास्ट में जब थोड़ी सी स्पीड कमी तब जाकर मैंने कैमरा ऑन करा पागल है आदमी पागल लीला हुआ है इसको ऊपर का और सीट इसने ऐसे सेट कर रखी जैसे मतलब बंदे को पैसे धक्का लग जाएगी देखो बताओ जरा सीखना आदत डाल ले अब तो गाइस हम कौन सी जगह पे आए हैं हम आए हैं मामाइश तो ये कौन सी कुजीन है लेबनीज तो ये हमें एक बहुत डिफरेंट जगह लेके आए इन दोनों की फेवरेट जगह है तो इनने कहा तुम्हें कुछ खाना पीना खिलाते हैं बढ़िया सा एंड वैसे भी ये बंदी मुझे कह रही थी कि क्या इंडियन खाना खा रहा है कुछ क्या खाए लेबनीज खाना खाए तो इसलिए आज हम लेबनीज खाएंगे एंड बिकॉज ऑफ रमादान आउटसाइड सीटिंग पूरे दुबई में बंद होता है मतलब आप पानी भी नहीं पी सकते यू कांट हैव एनीथिंग बट देन इनसाइड यू कैन ईट बट पहले नहीं होता था ना पहले ये भी नहीं होता था पहले हाँ पहले हर जगह व्होएवर वांटेड टू ईट वो वहां पे कर्टन्स लगा के रखते थे एंड बाहर खाने पीने का फाइन होता था एंड इस बार कर्टन्स नहीं लगे हुए क्योंकि थोड़ा बहुत चेंज हुआ है तो गाइज ये डाइट पेप्सी देख के ना मुझे बचपन याद आ गई अब मुझे ये बताना आप में से कौन लोग ये करते थे जब हम छोटे होते थे ना तो जब हम छोटे होते थे हम ये करते थे ऐसे ना पूरा दबा दबा के ना इसमें से गैस निकल जाती थी और सारा बाहर आता था एंड उसके बाद हम पीते थे अब तो बड़े हो गए शक्ल निकाल दो तेरी भाई क्या खाना था हाँ यार पेट भर गया मजा आया सब ने इतनी शांति से खाना खाया बहुत ज्यादा टेस्टी खाना बहुत टाइम बाद मतलब ऐसा मुझे लग रहा है कि मुझे इंडियन खाना नहीं खाना चाहिए था अगले 7-8 दिन भी मैं इंडियन खाना नहीं खाऊंगा यही सब खाएंगे अबे कैमल कैसे आवाज निकालता है तो आप लोग यार मुंह निकाली अबे गाय होती है अरे So guys, अभी बज रहे शाम के 5:30 एंड हम लोग पहुंच चुके हैं कहाँ पहुंचे कौन सा एरिया भैया एरिया है मलीहा मलीहा पहुंच चुके हैं अभी हम एक्सप्लोरर टूर्स के साथ आए हैं यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं ट्यून बगी करने वाले हैं भाई बहुत ज्यादा क्रेजी एक्सपीरियंस होने वाला है पिछली बार जब मैं घर वालों के साथ आया था मैंने सफारी करी थी तो मेरा बहुत ज्यादा मन था कि ड्यून्स में खुद ड्यून बगी चलाने का ज्यादा अलग मजा होने वाला है एंड उन्होंने पूरा कोऑर्डिनेट करा एंड भाई बहुत सारी चीजें प्लान कर दी उनमें से एक होने वाला है एंड इट इज गोना बी फन Right one is accelerator, left one is a brake. You can choose one leg for both leg normal. Okay, and you have to drive with second gear all the way, all the time gear. So guys, जो buggy का नाम है वो है Desert Fox Dune Buggy and ये approximately है 2000cc and इसकी आवाज बहुत ज़्यादा सही है. तो यहाँ पे ये देखो proper nitro suspension लगा हुआ है and इसकी आवाज बहुत ज़्यादा mad होने वाली है. Brinda जी please sound सुनाई जाए हमें. भाई bad scene होने वाला है. तो अभी हम लोगों को पहले हेलमेट पहन के चलाना पड़ेगा बिकॉज भैया कह रहे हैं आप लोगों को भरोसा नहीं आप कैसे चलाओगे तो सेफ्टी रीजन बट भैया कह रहे हैं अगर आप तमीज से चलाओगे तो आपको जरूरी नहीं है हेलमेट पहनना तो हम लॉक भी कर पाएंगे आराम से गाइस पूरा स्ट्रैप इन हो चुके हैं एंड अभी हम ऑन करते हैं भाई क्रेजी सीट होने वाला एक बार चलाते तो हमें बोला गया पूरे टाइम इसको टू पे रखना है तो भाई अभी बहुत ही तगड़ा हमारी ड्यून बगी फंस चुकी है और वो लोग आगे निकल गए हैं तो वो वाला जो पार्ट है वहाँ पे मेरी ड्यून बगी फंस रही है तो मैं 2 बार रिवर्स करके ट्राई कर चुका हूँ लास्ट टाइम ट्राई करता हूँ
अबे फंस गई थी पीछे भाई बहुत ही ज्यादा मजा आया, मतलब शुरू आया मिट्टी हमारे मुंह पे मार के मजा आया। शुरू में क्या हुआ, शुरू में बृंदा लीड कर रही थी, मतलब भैया लीड कर रहे थे, फिर बृंदा लीड कर रही थी एंड मैं ना आगे चला रहा गाड़ी चली जा रही। मैंने कहा यार ये धीरे क्यों चला रहा है उन्होंने, फिर मुझे बाद में लगा मैं बृंदा चला रही है। अरे नॉट दैट, पूरे रास्ते तो वैसे 140 पे चला के लाया, उसके बाद यहाँ मुझे समझ नहीं आया धीरे क्यों हो गया, क्योंकि भाई पूरे रास्ते आधा घंटा एक घंटा फुल स्पीड पे चला के ला रहा है, क्योंकि भाई साहब को तो पता स्पीड गन कहाँ पे वहाँ पे रुक जाता है एंड देन यहाँ पे ये हुआ। फिर उसके बाद मुझे एक जगह मिली जहाँ पे मैं फंसा, उसके बाद ये लोग यूटर्न ले गए, फिर मैंने ली लीड। फिर भाई थोड़ा ना मैं क्या कर रहा था, तो यहाँ पे भैया आगे थे तो भैया को पहले मैं जान देता आगे, फिर मैं पीछे से भगाता रहा यूं लेके आया। तुम रिकॉर्ड हुआ इस बार, मतलब ये लास्ट का बस आई थिंक कुछ इसमें मैंने कहा चलो अब थोड़ी भगाता पीछे से वीडियो बन जाएगी। अभी तू ऐसे भाग गया एंड अभी हम सोच रहे हैं यहाँ पे 360 ऐसे डोनट डोनट मारे। फोटो ले पहले भैया, इसके आगे जाएंगे आगे चलते हैं वीर। अगर यहाँ फोटो, ये कैमल रॉक है, बहुत सही है यार, ये तो फेमस है। अगर आपने यहाँ फोटो वगैरह लेने हैं तो ले ले, नहीं फिर आगे चलो। पब्लिक कैमरा निकाले फोन। अब हम जा रहे हैं दूसरी शॉप भैया, उसका जगह का नाम क्या था, फॉसिल रॉक जा रहे हैं। तो ये अगेन प्राडो लीड करेगा और तू आगे चलाएगा, मैं चलाऊं आगे। खा ले थोड़ी मिट्टी, आज ये मिट्टी खिलाएगा पीछे। भाई टैनिंग हो गई, तो भाई अब एक छोटा सीन हो गया। तो एक पहाड़ आई थी तो पहाड़ का मैं थोड़ा बैलेंस ऑफ हुआ, पहाड़ से निकालने के टाइम वहां से जब ऊपर आई है तब निकल गया टायर। हाँ अरे भैया वो मैं दूसरी साइड जा रहा था तो मैं कंट्रोल करने के लिए दूसरी साइड लेके आया और वहां से थोड़ा स्टीप ड्रॉप था तो वहां पे टायर फंस गया, मतलब निकल गया, उस पे प्रेशर आया। तो क्योंकि इसकी एज इट इज टायर प्रेशर बहुत ज्यादा कम होता है बिकॉज सैंड में चलाने के लिए, तो उस पे हल्का सा अगर थोड़ा ओवर स्ट्रेस आ जाए तो टायर निकल जाता है। तो इसमें बस यही होगा कि इसमें हवा भर के टायर वापस रिम पे लग जाएगा, ऐसे ही होता है ना। मैंने अपनी बाइक का करा हुआ ना, मुझे पता है। तो बाइक का भी ऐसा होता है, बाइक की जब हवा कम थी बाइक पे हल्का सा थोड़ा स्ट्रेस आया तो रिम से डिस्प्लेस हो गया, तो इसमें हवा भर के इसको वापस रिम में एडजस्ट करना पड़ेगा। अभी रुक जाना, अभी सर पकड़ेगा बिहाइंड द सीन। तो अभी अनुनय की चलाने की बारी आई थी एंड ये थोड़ा सा हमारा कटा हो गया ना भैया। अब क्या होगा, चलते हैं वापस। तो ये बाद में कोई टो करके लेके जाएगा, तो ये वापस आएंगे और टो करके लेके जाएंगे। तो आई एम वेरी सैड यार, बुरा लग रहा है पता है, ये एक्सपीरियंस के लिए मैं एक साल से वेट कर रहा था और मैंने खुद ही अपने पैर पे वो कर ली, कुल्हाड़ी मार ली। तो ये दूसरी गाड़ी आई है हमारी हेल्प करने के लिए, तो यहाँ पे भैया के पास कंप्रेसर है तो अभी थोड़ा प्रेशर लगा के गाड़ी उठाएंगे एंड देन इसमें हवा भरने की कोशिश करेंगे। तो चांसेस है हमारा सनसेट हम देख पाए बिकॉज सनसेट भी होने वाला उधर। भाई उसके ऊपर जाके बना सकते हैं वीडियो। तो ये ऐसे अबे थबले थबले जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ। हमारे लिए तैयारी हुई थी कहीं एक जगह सेटअप होगा बट मेरी करतूतों के कारण सेटअप यही हो गया एंड यहीं पे पिकनिक हो रही है। बट देन भैया ने फटफट काम करा दिया, नहीं तो हमें राडो में बैठ के जाना पड़ता। व्हाट यू वांट टू से गाइस, कि धीरे चलाइयो अब। तो मानता है क्या, हम तुम्हें कॉम्पिटिशन दे सकते हैं। मैंने कहा उन्होंने को इम्प्रेस करना है इसलिए गाड़ी चला रहा है। वीडियो भाई तू मेरी वीडियो देखियो, कौन सी, जब मैं पीछे था और तू आगे भगा रहा था। नहीं अब मैं धीरे चलाऊंगा। अभी बहुत ही तगड़ा इंसिडेंट हो गया है। वो कहते हैं ना कभी एक लड़का लड़की को साथ नहीं बैठना चाहिए, कुछ ना कुछ कंफ्यूजन होती है। मैं बोलू राइट है, मैडम कहे स्ट्रेट, तो मैडम थॉट शी इज राइट बट देन मैडम वाज राइट, आई वाज रॉन्ग। हाँ तो भाई समहाओ मैं 15 मिनट रुका रहा, मुझे लगा आज तो एक दो साल इधर। और हम यहाँ पहुँच गए एंड में, वो कह रहे हैं आपके भाई कहाँ गए। तो उस नहीं नहीं सब जाएगा, क्या करें, सच्चाई तो दिखानी पड़ेगी। भैया को दिखाना, भैया एक बार, भैया 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 ने ना मेरे लिए बहुत प्यारा डायलॉग मारा है। भैया ने दो इंटरनेशनल कपल को लेके, ये इतना बड़ा आदमी है, वो बुड्ढी औरत ने इतने बड़े बड़े ड्यून मारे, छोटे से ड्यून के ऊपर ही करता है, मैं मर गया।
तो भैया ये मतलब लास्ट का पार्ट था, वही मैं रह गया, बताओ।